नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि एनसीडी के तीनों निगमों को एकीकृत किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो राज्य चुनाव आयोग की काफी मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली में होने वाले तीन नगर निगमों के चुनावों पर सभी पार्टियों की नजरें हैं। वहीं कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजना है कि एमसीडी को एकीकृत किया जाए। इस खबर के आने से राज्य चुनाव आयोग की काफी मुश्किलें बढ़ेंगी और नगर निकायों के लिए एक बड़ा काम होगा, क्योंकि अगर एमसीडी एकीकृत हो जाते हैं तो सभी आरक्षित सीटों में फेरबदल करना पड़ेगा। बता दें कि अभी भी दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं चुनाव को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से 25 जनवरी को महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई। महिलाओं के लिए 46 वार्डों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से 46 वार्डों में 20 उत्तर नगर निकाय, 15 दक्षिण निगम और 11 पूर्वी एमसीडी के अंतर आते हैं। अगर एमसीडी के तीन नगर निगमों को एक कर दिया जाता है तो सीधी से बात है कि सभी प्रक्रिया फिर से करनी होगी। वहीं इस खबर के सामने आते ही चुनाव अधिकारियों का कहना है कि एमसीडी के एकीकृत होने पर दिल्ली की आबादी के आरक्षित सीटों की फिर से गणना करनी पड़ेगी। दिल्ली में अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत लगभग 16.73 है। बताते चले कि उत्तरी दिल्ली में अनुसूचित जातियों की आबादी सबसे अधिक है और अगर यहाँ पर गणना होगी तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक आरक्षित वार्ड बन सकते हैं। वहीं इस मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने कहा कि माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आरक्षित वार्डों को पूरी तरह से चुनने के फॉर्मूले को बदल देगा। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त पर मंथन करने के लिए कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में करीब 4.5 घंटे से अधिक समय तक चली। इस बैठक में सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अगर पार्टी को लगता है तो हम तीनों इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन CWC ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया। CWC की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वह संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक अध्यक्ष बने रहें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कार्य समिति के सदस्य अजय कुमार का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में खराब प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी इसके पहले इतने चुनाव हारी, लेकिन ना तो ममता बनर्जी से और ना ही अरविंद केजरीवाल से किसी ने इस्तीफे को लेकर सवाल नहीं किया है। अजय कुमार ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि वह पार्टी हित में और कार्य समिति के कहने पर पीछे हट सकती हैं, लेकिन सभी सदस्यों ने कहा कि हम लोगों को RSS और BJP के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। अजय कुमार के मुताबिक बैठक में गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताई और कहा, G23 मीडिया का दिया हुआ नाम है, हम कांग्रेस पार्टी की बेहतरी चाहते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि हर नेता ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया और संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक उनसे अध्यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने कहा कि आज के समय में राहुल गांधी देश के इकलौते नेता हैं जो पूरे दमखम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। CWC की बैठक के दौरान पार्टी के कई नेता एवं कार्यकर्ता पार्टी के मुख्यालय के निकट एकत्रित हुए और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की तथा उन्हें पार्टी की कमान एक बार फिर से सौंपने की मांग की। ये अहम बैठक ऐसे समय हुई जब कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता गंवा दी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजधानी दिल्ली में एक तरफ तो एमसीडी की तारीखों का ऐलान न होने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को लुभाने के लिए विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं और इस दौरान किसी भी पार्टी के नेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि पूर्व दिल्ली से BJP के सांसद गौतम गंभीर मंडावली में डॉक्टर हेडगेवार पार्क में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि दिल्ली में ठेके खोलकर उन पैसों से पंजाब में चुनाव लड़ा गया। जो 850 ठेके खोले वो सिर्फ 850 ठेके या फिर वो लेकर के लाइसेंस बेचे गए थे, जिनको दिए गए थे उनसे पैसा इकट्ठा करके पंजाब का चुनाव लड़ा गया है
और बाकी स्टेट का चुनाव लड़ा गया है। दिल्ली से कोई प्यार नहीं है। अगर आपके घर के नीचे ठेका खुलता तब आप जानते कि किस तरीके की महिलाओं को या बच्चियों को किस तरीके की तकलीफ हो रही है। आप सोचिए कि जिस रेजिडेंशियल एरियाज में या जिनके घर के आसपास ठेके खुले हैं, क्या इस तरीके की आप राजनीति करना चाहते हैं? पैसे कमाना तो बहुत अलग तरीके, चुनावी लड़ने तो बहुत अलग तरीके, कम से कम दिल्ली के जमीन के साथ तो मत खेलिए। ये सब झूठे की 850 कि जी हम 850 ठेके खोल रहे हैं, हम जो माफिया है लेकर माफिया उसको खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई सिर्फ ये है कि बाकी जो स्टेट में 5 स्टेट्स में चुनाव थे वहाँ पर जो लड़ना था उससे ये जो ठेके खोले उससे जो पैसा शराब से जो पैसा है उसकी वजह से कोई महिलाओं की सेफ्टी, कोई बच्चियों की सेफ्टी, कोई किसी चीज़ की उन्होंने चिंता नहीं करी। इस तरीके के मुख्यमंत्री दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण की बात कही है, जिसको लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी भेजी थी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निगम चुनाव टालने के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड हाथ में लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ हाय हाय और बीजेपी शर्म करो जैसे नारे लगाए। उन्होंने दिल्ली बीजेपी दफ्तर का भी घेराव किया। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव टालकर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हम बीजेपी को चुनाव से भागने नहीं देंगे। आपने ट्वीट कर भी बीजेपी पर चुनाव से डरने की बात कही। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया, भाजपा डरी हुई है, 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी भाजपा दिल्ली में एमसीडी चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। आप नेता राजीव गोयल का कहना है, आजादी के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ जब चुनाव टाले गए हों। ये पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयुक्त तो किसी न किसी दबाव में है या पीएमओ ने उनकी फाइल बना ली है। उन्हें ईडी या सीबीआई से डराया जा रहा है, जिसे चुनाव आयुक्त चुनाव टालने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जिस दिन चुनाव की घोषणा करनी थी उससे आधे घंटे पहले उन्होंने चुनाव टाल दिए। एमसीडी चुनाव टालने को आपने बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप कार्यकर्ता इस मसले पर बीजेपी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। आप नेता राजीव के मुताबिक आज का विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय को घेरने का है। आप कार्यकर्ता पूरी दिल्ली से एकत्रित हो रहे हैं और बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, हम बीजेपी को चुनाव से डर कर भागने नहीं देंगे। तो वहीं आप नेता ने बताया कि बीजेपी चुनाव क्यों टाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक इंटरनल सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो आपको 250 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, और इसका कारण ये है कि पिछली बार बीजेपी चेहरे लाई थी, उन्होंने 5 साल में इतने गड्ढे कर दिए हैं, दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा कर दिया है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, 18,000 करोड़ रुपए का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसके चलते नगर निगम चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। आप बीजेपी को डर कर भागने नहीं देगी, उन्हें लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया को बताना चाहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने घाटी को कब्रिस्तान बना दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा ने कहा कि पीडीपी एक जमात है जो कश्मीर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, ये बात भाजपा को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया हुआ है, उन्होंने लोगों को जिंदा दफन कर रखा है, यहाँ सच बोलने की इजाजत नहीं है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। और क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, आइए सुनिए। देखिए, जब कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो तब उसकी बात तब हम करेंगे। जी देशा, क्या प्रश्न? जी ये सुना नहीं, फिर से बताइए मैम। मैंने कहा जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो तभी उस पर बात करेंगे, अभी तो यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं ना, जब होंगे तब बात करेंगे। मैडम, कश्मीर के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया किया जाता है, उस बारे में आप क्या कहें? मैंने देखी नहीं वो फिल्म, मैं कैसे बताऊँ? मैम, अगर देखा जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीडीपी को तनकीद का निशाना बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर पीडीपी को बताया जाता है कि ये बिल्कुल जो प्रो मिलिटेंट जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर अप्लाई कर रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोज़ाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पर उठाया जाता है, किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को वाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जब
पीडीपी इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती है। जैसे ग्रेनेड हो गया, दो लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी को, किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं, तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। तो पीडीपी एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर को खुदा ना खास्ता उन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा उन्होंने दफन कर रखा है। इसके खिलाफ तुम आवाज उठाते कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया, कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ से फिल्म देखी नहीं मैम, कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। आप विधायक आतिशी ने कहा कि आज बीजेपी ने डरकर एमसीडी चुनाव को रद्द किया है, तो अगर कल बीजेपी किसी राज्य का चुनाव हार रही होगी तो ये उस राज्य का चुनाव भी रद्द कर देगी। हार के डर से चुनाव स्थगित करना एक गलत प्रथा है। आप विधायक ने कहा कि लोकतंत्र के अंत की शुरुआत है, इसलिए बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से भी कोई गुरेज नहीं कर रही। इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को जेल में डालने की भी धमकी दी है। इसके साथ ही एमसीडी चुनाव टलने पर आपने सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध भी किया। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी को एकीकरण करना तो ये बहाना है, बीजेपी असल में चुनाव से भाग रही है। अगर बीजेपी के कर्म अच्छे होते तो इन्हें चुनाव से डरकर भागना नहीं पड़ता। मोदी सरकार ने दिल्ली के इलेक्शन कमीशन को डरा धमकाकर एमसीडी के चुनाव टाल दिए। वहीं आप नेता पंकज गुप्ता ने कहा कि जब बीजेपी का एमसीडी में अपने 15 साल के बुरे कामों का नतीजा देखने का समय आया तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया है, इसलिए बीजेपी ने हार के डर से एमसीडी चुनाव टालने के लिए तिकड़मबाजी लगानी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी की इस चाल से एमसीडी के चुनावी नतीजों में कोई फर्क नहीं आने वाला। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतने ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।